नमस्ते दोस्तों, एक बार मैं फिर आपका हमारे चैनल सरकारीरिजल्ट.com और रोजगारीरिजल्ट.com के इस ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं नाबार्ड बैंक। जी हां दोस्तों, नाबार्ड बैंक में डेवलपमेंट असिस्टेंट की भर्ती निकली है, जिसमें कि कुल 91 पोस्ट है। उसका दोस्तों आपको सिलेबस क्या है ये बताएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे आपको किस स्टेट के लिए आवेदन करना है। जी हां दोस्तों, जो भर्ती निकली है ये स्टेट वाइज भर्ती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दूं। ये देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपके स्क्रीन पर ओपन है, ये नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन दोस्तों आपको आवेदन यहाँ से नहीं करना है। आवेदन के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले नंबर वन वेबसाइट रोजगारीरिजल्ट.com को ओपन करना है। जी हाँ दोस्तों, नंबर वन वेबसाइट रोजगारीरिजल्ट.com। दोस्तों रोजगार रिजल्ट जब भी खोलिए लास्ट में .com लगाइए और लोगो को भी पहचान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यही लोगो है इसकी पहचान। चलिए दोस्तों, एक वेबसाइट आपको और बताते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है, उसका नाम है सरकारीरिजल्ट.com। लेकिन दोस्तों सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट वेबसाइटें आ गई है, इसलिए जब भी सरकारी रिजल्ट खोलिए लास्ट में .com जरूर लगाइए। अगर आपके मोबाइल, लैपटॉप या आसपास कहीं भी सरकारी रिजल्ट खोलिए तो सबसे पहले चेक कीजिए लास्ट में .com है कि अगर नहीं है तो नकली और फेक वेबसाइट है। चलिए दोस्तों, देखिए नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट का फॉर्म आ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं फॉर्म जो है 14 सितंबर से चालू है, 2 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, और प्री एग्जाम जो इसका 20 अक्टूबर 2019 को है। फीस की बात करूं मैं तो जनरल ओबीसी की 400 रुपये फीस है, एससी एसटी की 50 रुपये फीस है। और दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं, जो इसमें एक 50 रुपये फीस है इंटीमेशन चार्ज, वो भी दोस्तों लग रहा है। दोस्तों उम्र की बात करें तो 18 से 35 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। टोटल इसमें 91 यानी कि 91 पोस्ट है, और पोस्ट की बात करें तो इसमें दो पोस्ट है, एक डेवलपमेंट असिस्टेंट है और दूसरा है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। दोस्तों बैचलर डिग्री चाहिए 50% अंक के साथ। लेकिन दोस्तों जो आप 82 पद देख रहे हैं, 82 नहीं है, इसको उन्होंने कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज जो है अलग अलग कर रखा है। तो दोस्तों इसमें पद ज़्यादा नहीं है, दूर से आपको दिखाई दे रहा है 91, लेकिन पद दोस्तों बहुत कम है इसमें। चलिए दोस्तों मैं वही बताता हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, लगभग यूपी के अधिकतर शहर उन्होंने कवर कर रखे हैं, बिहार के भी अधिकतर शहर कवर है, दिल्ली मध्य प्रदेश भी है। तो दोस्तों ये देखिए लिंक दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन को, उसमें हम बाद में करते हैं, पहले आपको उसका नोटिफिकेशन दिखाते हैं। देखिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों, जो जो बातें हमने आपको बताई है, देखिए दोस्तों सारी डिटेल दिया हुआ है। जो पन्ना नंबर 2 है उस पर आप देख सकते हैं, इसमें जो स्टेट वाइज यानी रीजनल ऑफिस वाइज वैकेंसी का डिटेल जो दिया है। अब मैं बात करूँ यूपी की, तो यूपी में कुल्लम कुल्ला इसमें 4 सीट है, जिसमें जनरल की 3 है और एससी की 1 है, ओबीसी वगैरह की सीट नहीं है। यहाँ दोस्तों ये देख सकते हैं यूपी में 4 सीट है, उत्तराखंड में 6 सीट है, और मैं आपको दिखाऊं तो सबसे अच्छी महाराष्ट्र में जहाँ 20 सीटें हैं। इस तरीके से दोस्तों ये भर्ती है, तो आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा तभी आवेदन कीजिएगा। दोस्तों उसकी दूसरी पोस्ट की बात करें तो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, उसमें भी ज़्यादा पोस्टें नहीं दोस्तों, एक एक पोस्ट है, लेकिन एक पोस्ट भी बहुत बड़ी होती है, आप आवेदन जरूर कीजिए अगर आप इस पोस्ट के लायक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उसका सिलेबस जो है दोस्तों उसका नीचे दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन खोलेंगे, नोटिफिकेशन में मैं आपको बता दूँ पेज नंबर 12 पे ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, स्कीम ऑफ सिलेक्शन का ये देखिए, डेवलपमेंट असिस्टेंट का ये दिया है, पैटर्न दिया हुआ है, और इसकी ये देखिए प्री एग्ज़ाम का है, उसमें मेंस भी होना है, मेंस एग्ज़ाम का है, और ये डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का है प्री का, और ये मेंस का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका डिटेल सिलेबस भी उपलब्ध है, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पेज नंबर 12 से, ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है। चलिए दोस्तों इस तरह अगर हम वीडियो बनाएंगे बहुत ही लंबी हो जाएगी, अब दोस्तों हम अप्लाई करते हैं। चलिए दोस्तों वापस हम सरकारीरिजल्ट.com के पेज पे आते हैं और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको दोस्तों अपना पहला नाम डालना है, दोबारा आपको पहला नाम डाल देना है, सेकंड नेम डाल देना है और लास्ट नेम डालना है। देख सकते हैं दोस्तों मैंने डाल दिया अपना पूरा नाम, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर कन्फर्म करना है, नेक्स्ट आपको ईमेल आईडी डालनी है, मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी जिस पे भी है, एग्जांपल जैसे जीमेल पे तो जीमेल लिखना है, तो यहाँ पे आपको पूरी ईमेल आईडी लिखनी है। दोस्तों उसके नीचे आपको यहाँ पे आना है, ये कैप्चा जो है लिखा हुआ है, कैप्चा डालना है, उसके बाद नीचे यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना है। चलिए दोस्तों उसको डाल के मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे चलेंगे आप देखेंगे आपको जो है आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, ये देखिए ग्रीन कलर से आ रहा है, यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड है। दोस्तों उसको नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फोटो खींच लीजिए, वैसे ही आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे भी आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो लगानी हो, यहाँ पे सिग्नेचर लगाना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों फोटो सिग्नेचर लगा के आगे चलते हैं। दोस्तों सिग्नेचर फोटो लगाने के बाद हम आगे आ चुके हैं, हमको यहाँ पे अपना पोस्ट सिलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों मैंने डेवलपमेंट असिस्टेंट सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट मुझे अपना जो रीजनल ऑफिस है जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपको ये चीज़ बहुत ही केयरफुली देखनी है कि कहाँ के लिए आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं यूपी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसका जो प्री एग्जामिनेशन का सेंटर चाहिए वो कहाँ चाहिए मैंने आगरा कर लिया,
और मेन एग्जामिनेशन का सेंटर एक ही है लखनऊ, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों EWS का भी ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विकलांगता का, यानी कि दिव्यांग का। अगर आप है तो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो कर दीजिए। दोस्तों अगला है आपका जम्मू कश्मीर डोमिसाइल का ऑप्शन है, और अगला आपका है माइनॉरिटी का ऑप्शन है, अगर आपका हो तो यस कीजिए। अगला एक्स सर्विस मैन है। दोस्तों किसी भी ऑप्शन में आपका वेटर हो तो उसको यस कर दीजिएगा। डिपेंडेंट का ऑप्शन है, क्या आप नाबार्ड के एम्प्लाई है, एक्स एम्प्लाई वगैरह हो तो आप कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका डेट ऑफ बर्थ का। दोस्तों यहाँ मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 1/9/2019 से एज कैलकुलेट होगी। यहाँ पे आपका मैरिड अनमैरिड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पिता का ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं पिता का नाम है, आप नाम डाल दीजिए पिता का, माता का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, दोस्तों अगर आपको दोनों एड्रेस सेम हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। और देखिए फीस इसकी 450 वाली, 400 रुपये फीस है, 50 रुपये इसमें इंटीमेशन चार्ज लग रहा है। दोस्तों उसके यहाँ वैलिडेट पे क्लिक कीजिएगा, कुछ गलत छूट जाएगा आपका तो देखिए इस तरीके से दिखाएगा, तो क्या छूटा है ऊपर जाके चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये ऑप्शन हमारा छूटा हुआ था कि आप जो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैंने यहाँ हिंदू कर दिया। दोबारा वैलिडेट करूंगा, ये देखिए वैलिडेट सक्सेस, उसका मतलब सारी डिटेल सही है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको अपना ग्रेजुएशन का डिटेल भरना है, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है। चलिए दोस्तों मैं कॉमर्स डाल देता हूँ। यहाँ पे जो आपकी मार्कशीट पे पासिंग की डेट पड़ी होगी आपको उसको जो है डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज डाल देना है और डिवीजन डालनी। दोस्तों PG प्रोफेशनल अदर कुछ भी क्वालिफिकेशन हो आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूछा है 10th और 12th मार्कशीट में जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। और जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करें उसकी रीजनल जो लैंग्वेज है वो आपको आती है कि नहीं, रीड राइट स्पीक, उस पर भी आपको यस और नो करके जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको हिंदी मैंने जैसे कर दिया, तीनों पे रीड राइट स्पीक। आपको कोई और भाषा आती हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मुझे इंग्लिश आती है, मैंने करके वैलिडेट कर दिया, देखिए वैलिडेट सक्सेसफुली। अब हम दोबारा सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए पूरा डिटेल्स आप चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से, सब कुछ अगर आपको सही लगती है तो यहाँ पे आपको फोटो कन्फर्म करनी रहेगी, ऊपर नीचे सिग्नेचर कन्फर्म करके फाइनल सबमिट करना रहेगा। चलिए दोस्तों फाइनल सबमिट करते हैं। दोस्तों इसको आपको चेक अच्छी तरह करना है, अगर कुछ भी करेक्शन है तो आप यहाँ बैक करके उसको सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको जो अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे का जो आपका फिंगरप्रिंट है वो लगाना है। और दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन, दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन का सैंपल दिया रहता है, बिल्कुल गलती मत कीजिएगा कि आप कुछ भी अपने मन से लिख के लगा दे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको नोटिफिकेशन खोलना है sarkari.com या तो फिर rozgar.com, तो उसके पन्ना नंबर 18 पे जाना है। यहाँ दोस्तों पेज नंबर 18 पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसका ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आपको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना है। इसमें देखिए दिया हुआ आई नेम ऑफ द कैंडिडेट हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, आई के बाद आपको नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना नाम लिखना है, और ये सारी चीजें ब्लैक पेन से होनी चाहिए और वाइट पेपर में होनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सावधानी से आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसका जो है आपका हैंड डिक्लेरेशन का फॉर्मेट जो है इसको आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको अपलोड करके। तो दोस्तों ये देखिए मैंने लगा दिया है अपना फोटो सिग्नेचर सब अपलोड कर दिया है। थंब इम्प्रेशन हैंड रिटन का आपको मैंने डिक्लेरेशन दिखाया, पेज नंबर 18 पे उपलब्ध है sarkari.com और rozgar.com। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, वो चीज़ आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा वहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इसका फी पेमेंट करना है, देख सकते हैं छठा चरण पेमेंट। दोस्तों आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, CVV कभी भी किसी के साथ मत बताइए। नेट बैंकिंग का लॉगिन ID, पासवर्ड कभी भी अनजान कंप्यूटर पे यूज मत कीजिए। दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों चलते चलते एक चीज़ आपको बता दूँ, इसकी पेमेंट की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। नमस्कार।